हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हम। इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सोशल स्टडीज के सेकंड चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है, कहाँ तक फैले हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। माया, माया जो शिमला से अभी अभी वापस आई है छुट्टियाँ बिताकर, और वो रह नहीं पा रही है अपने फ्रेंड्स को बिना बताए कि वहाँ पे जो ट्रीज हैं, हाउसेज हैं, लैंडस्केप है, बिल्कुल डिफरेंट थे जैसे कि दिल्ली में है। ठीक है, वहाँ पे लोगों की लाइफ भी बिल्कुल अलग थी। वहाँ के लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं और डिफरेंट तरीके से वो लोग रहते हैं। वो बहुत ही अच्छा है देखने में, बहुत अच्छा लगता है। उस चीज़ को बताना चाहती है अपने फ्रेंड्स को, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन की अलग अलग कौन कौन सी रेंज है उनके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज में क्या इंपॉर्टेंस है। लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन के लोग किस तरीके से रहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सॉरी नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती है, उन स्टेट्स की जो फेमस चीज़ें उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड टू रेंजेस, नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर हमारी टू रेंजेस आती हैं। फर्स्ट है कराकोरम रेंज एंड हिमालयन रेंज। कौन कौन सी रेंज आती है? कराकोरम रेंज एंड हिमालयन रेंज। ठीक है, सबसे पहले हम कराकोरम रेंज के बारे में पढ़ते हैं। कराकोरम रेंज क्या है? दिस नॉर्दर्न माउंटेन रेंज इज इन एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जैसे नॉर्थ यहाँ पे है एंड वेस्ट यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। ठीक है, इट लेज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर कौन कौन सी टेरिटरी आती है? हमारी जम्मू कश्मीर इसके अंदर ही आती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। तो कराकोरम रेंज कहाँ है? ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कराकोरम रेंज। ठीक है, इसका सबसे ऊंची जो चोटी है या सबसे ऊंची जो पहाड़ है कौन सा है? K2। ये सबसे ऊंचा माउंटेन है कराकोरम रेंज का, जिसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। K2 को हम क्या बोलते हैं? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, विच लेज इन दिस रेंज, कराकोरम रेंज में है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर ऊंची है, यानी कि इसकी हाइट 8611 मीटर अबव है, ऊपर है। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट एंड इंडियाज हाइएस्ट माउंटेन पीक। ये पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है और भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा माउंटेन है कौन सा? K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी रेंज में है? कराकोरम रेंज में है। अब इसके नीचे आपको नजर आ रहा है हिमालयन रेंज, है ना, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हिमालयन रेंज यहाँ तक है, कहाँ से? K2 के नीचे है, K2 के साउथ में है, और ये स्टार्ट होती है यहाँ से पूरा कंप्लीट। इसके अंदर नेपाल, भूटान सब आ जा सॉरी नेपाल, सिक्किम वगैरह सब आ जाता है, और लास्ट में यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रेंज के बारे में। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज ऊपर है और उसके साउथ में क्या है? हिमालयन माउंटेन। इट एक्सटेंड्स टू डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खत्म हो रही है 2500 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है ना। इट्स विथ वेरीज अबाउट 40 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है अगर हम इसके अंदर मैप के अंदर देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ाई है ना, और यहाँ पे आगे बहुत कम हो जाती है, फिर यहाँ भी बढ़ जाती है। तो जो कम से कम है वो 40 किलोमीटर है, एंड जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो कितनी है आपकी? 150 किलोमीटर तक है। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन पीक, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचा माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8848 मीटर। और ये कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में भी आते हैं हिमालयन रेंज हमारे, कहाँ है? नेपाल में भी है। देखो आप यहाँ पे जो नेपाल है इसके अंदर ये जो चोटी आपको नजर आ रही है क्या है? माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है। ठीक है, जो कि हिमालयन रेंज में ही है। डिविजन ऑफ द हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज को बांटा गया है। द हिमालयन माउंटेन रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पैरेलल रेंजेस, तीन अलग अलग पैरेलल रेंजेस बनाई गई हैं एक के नीचे एक। दीज आर, सबसे ऊपर जो है ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं, लोअर हिमालय या शिवालिक। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊपर है, ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री, लेसर हिमालय उससे छोटा हिमाचल, एंड लोअर हिमालय बिल्कुल नीचे का जो पार्ट है वो है शिवालिक। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे ऊपर जो होगा वो क्या है हमारा? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, उसके बाद लोअर हिमालय सॉरी लेसर हिमालय, और उसके बाद लोअर हिमालय। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में या हिमाद्री के बारे में। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री रेंजेस आर लोकेटेड ऑन एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है उसके बिल्कुल नॉर्थ में है, सबसे ऊपर की साइड है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, इसको इनर हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, दिस माउंटेन रेंजेस रिमेन कवर्ड विद स्नो,
पूरे साल ये किससे, बर्फ से ढके हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ की एवरेज हाइट जो है वो 6,000 मीटर है सी लेवल से, मतलब सी से वो 6,000 मीटर ऊंचाई तक बने हुए हैं। कुछ वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक जैसे कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब इसी के पार्ट हैं। ये सब यानी कि ग्रेटर हिमालय में ही पाए जाते हैं, हिमाद्री में ही पाए जाते हैं, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, यानी कि अगर वहाँ कॉन्टिन्यू बर्फ पूरे साल भर बर्फ पड़ती है, वो जम जाती है और बहुत बड़े पहाड़ बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ वो भी इन्हीं माउंटेन में पाए जाते हैं। बहुत सारे रिवर जैसे कि इंदुस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी भी इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं। अब देखिए, डू यू नो एडमंड हिलेरी एंड तनजिंग नॉर्गे, ये जो है ये दोनों पर्सन फर्स्ट थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1953 में। एंड उसके बाद बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने सबसे पहले हिमालय की या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट लेसर हिमालय। हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा, अब हम लेसर हिमालय पढ़ेंगे, यानी कि हिमाचल। लेसर हिमालय, हिमाचल इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है, ग्रेटर हिमालय। हिमालयन रेंज के नॉर्थ में हमारा ग्रेटर हिमालय है और ग्रेटर हिमालय के नीचे यानी कि उसके साउथ में हमारा लेसर हिमालय है। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट जो है वो 4,000 मीटर है सी लेवल से। ग्रेटर हिमालय के 6,000 थे, इसकी 4,000, यानी कि उससे थोड़ा सा छोटा है। दिस रेंजेस हैव सम वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। जितने भी हमारे बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशन हैं वो सारे यहीं पे पाए जाते हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। कुछ मेजेस्टिक वैलीज भी हैं यहाँ पे, श्रीनगर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये सारी यहीं पे पाई जाती हैं। मैनी सेंटर हैं पिलग्रिम्स के, यानी कि तीर्थयात्रियों के बहुत सारे सेंटर यहाँ पे। तीर्थयात्री जो धर्म के लिए जाते हैं, यात्रा करते हैं देखने के लिए, जैसे हरिद्वार गए, सारी चीज़ें, जैसे कि हिंदू जो यात्री हैं उनके लिए बहुत सारे सेंटर हैं यहाँ पे। अमरनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, बहुत सारे लोग जाते हैं। ये सारे कौन से हिमालय में है, लेसर हिमालय में है। ठीक है, दीज माउंटेन रेंजेस रिसीव रेगुलर स्नोफॉल, यहाँ पे अक्सर बहुत बर्फ गिरती है ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, और जो माउंटेन स्लोप्स हैं, जो इनकी ढलान है, उनमें क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट है और वहाँ पे पाइन एंड देवदार, दियोदर के बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ट्रीज किसके पाए जाते हैं, पाइन एंड देवदार के ही। नेक्स्ट हमारा है लोअर हिमालय। लोअर हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा ग्रेटर हिमालय था, फिर लेसर, और अब थर्ड नंबर पे कौन सा हमारा, लोअर हिमालय या शिवालिक्स। द लोअर हिमालय और शिवालिक रेंजेस जो है साउथ मोस्टर्न रेंज है, यानी कि हिमालय के सबसे नॉर्थ में है हमारा ग्रेट, फिर उसके ग्रेटर के साइड जो साउथ में है वो हमारा लेसर हिमालय, और साउथ एंड मोस्ट जो सबसे लास्ट की जो रेंज है वो कौन सी हमारी, लोअर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, इनको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। दीज रेंजेस हैव ए हिल रेदर देन माउंटेन्स, यहाँ पे ज्यादातर हिल्स है, माउंटेन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई है, हिल्स यहाँ पे है, पहाड़ियाँ हैं पाई जाते हैं। इनकी एवरेज हाइट 1,500 मीटर तक है सी लेवल से। ठीक है, यानी कि बहुत कम हाइट है उनके अकॉर्डिंग। और ये जो एरिया है ये ज्यादातर पूरे फॉरेस्ट से ढका हुआ होता है, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स का घर है ये। यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड, टाइगर वगैरह पाए जाते हैं। द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर नोन एज तराई, जो फुट हिल्स है यानी कि तराई, शिवालिक के जो बिल्कुल नीचे का पार्ट है उसको हम तराई ही बोलते हैं। वो एरिया बहुत ही ज्यादा दलदली एरिया है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश का पानी बिल्कुल इसके नीचे के पार्ट में पहुंच जाता है, और नीचे के पार्ट पहुंचने के बाद वहां का जो एरिया है वो बिल्कुल दलदली हो जाता है, कंटिन्यू पानी रहने से बिल्कुल दलदल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तराई, तराई एरिया। स्नो लियोपार्ड आपको नजर आ रहा है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ द तराई, तराई के बहुत ही गहरे फॉरेस्ट, बहुत गहरे जंगल जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। ऑन द ईस्टर्न साइड, अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, द हिमालयन माउंटेन रेंज टर्न्स टुवर्ड द साउथ एंड फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ लो हिल्स। अगर हम ईस्टर्न साइड माउंटेन की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे हिल्स हैं जो एक सीरीज में बने हुए हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज हिल्स आर गारो, खासी एंड जयंतिया, नागा, मिजो, पटकाई हिल्स। ठीक है, ये हिल्स कौन कौन से हैं, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिजो एंड पटकाई हिल्स हैं, जो कि एक सीरीज में बनी हुई है। दे हैव फास्ट रनिंग स्ट्रीम्स, वहाँ पे बहुत ही तेजी से बहती हुई नदियाँ हैं, एंड बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ कंटिन्यू स्नो रेनफॉल होता है। दीज हिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स, इनको पूर्वांचल हिल्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस, हिमालयस की इम्पोर्टेंस क्या है। द हिमालयस माउंटेन रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री के लिए, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। अगर दूसरे देश का कोई भी एनिमी आता है, वो आक्रमण करने की कोशिश करता है, वो नेचुरल बैरियर है, ये उसको रोक देते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ साइड से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हमें बचाते हैं।
और ये मानसून विंड जो भारत में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से उठती है उनको इंडिया के अंदर ही बारिश करवाते हैं, उनको बाहर जाने नहीं देते। यानी कि ये मानसून विंड हिमालय से टकराकर इंडिया में ही बारिश करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। बहुत सारी रिवर जो हिमालय से ही निकलती हैं वो रिवर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे डोमेस्टिक काम के लिए, इंडस्ट्रीज में भी उन रिवर का पानी यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए भी उनका पानी यूज़ होता है, ठीक है, खेतों में सिंचाई वगैरह के लिए या क्रॉप्स को पानी देने के लिए भी उनका बहुत यूज़ होता है, जो कि रिवर्स से मिलता है। और रिवर कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से ही। द हिमालय फॉरेस्ट प्रोड्यूस वुड एंड मैनी काइंड ऑफ हर्ब्स। हिमालय से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ और उसके साथ साथ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ दिस माउंटेन सर्व एट होम एज अ होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट एरिया है माउंटेन का वो वाइल्ड एनिमल का घर भी है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो इसी माउंटेन एरियाज में रहते हैं। अब हम क्विक रीजन वन करेंगे। क्विक रीजन वन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कराकोरम रेंज इज एन एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कराकोरम रेंज जो है वो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज। नहीं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 जो है वो कराकोरम रेंज में है, हिमालयन रेंज में नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज इन इंडिया। हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ इज लोकेटेड इन द लेसर हिमालय। बद्रीनाथ कहाँ पे है? लेसर हिमालय में ही है, बिल्कुल ट्रू है। डू यू नो, हमें देखिए, द फेमस हिंदू पिलग्रिम साइट्स कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ केव्स एंड लोकेटेड इन द लैप ऑफ हिमालयाज। जो सारे तीर्थ जगहें हैं जहाँ पे तीर्थयात्री जाते हैं, जैसे कि कैलाश है, मानसरोवर है, अमरनाथ है, ये सारी गुफाएं या सारी केव्स कहाँ पे हैं? हिमालयाज की गोद में ही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइफ ऑफ पीपल इन नॉर्दर्न माउंटेन। अभी हमने नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस आते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कौन सी तीर्थयात्रियों की जगहें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वहाँ के पर्सनस के बारे में, उनकी लाइफ कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने उसके फिजिकल डिवीज़न, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है माउंटेन रेंज की। अब उनके जो जगह हैं, पहले हम उन स्टेट्स को देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो कि हमारी यूनियन टेरेटरी है, लद्दाख वो भी हमारी यूनियन टेरेटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये सारे क्या नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही आते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन के कुछ स्टेट्स हैं, इनके कुछ पार्ट या पूरी तरीके से नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर आते हैं। तो इन लोगों की लाइफ भी डिफरेंट है, अलग तरीके से लोग रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की, ठीक है। जम्मू कश्मीर इज द नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे नॉर्थ में जो यूनियन टेरेटरी है वो कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर, जो समर्स में है, एंड विंटर में कौन सी कैपिटल है यहाँ पे? जम्मू। यानी कि श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल हर 6 मंथ्स में चेंज होती है, समर्स में श्रीनगर एंड उसमें विंटर्स में जम्मू। यहाँ पे जो बहने वाली नदियाँ हैं वो है झेलम, चेनाब, इंदूस, ये बहुत ही फेमस हैं और इन्हीं स्टेट से फ्लो करती हैं। जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, यानी कि नेचर ने इनको इतनी सुंदरता दी है। यहाँ पे बहुत फेमस डल लेक है, वुलर लेक है, जो कि कश्मीर की ब्यूटी है, ठीक है। कश्मीर की सुंदरता डल लेक और वुलर लेक है। ये जो लेक है ये बहुत ज़्यादा फेमस है शिकाराज के लिए या हाउस बोट। हाउस बोट यानी कि बोट के अंदर ही लोगों ने घर बना रखे होते हैं, या शिकारा। शिकारा क्या होते हैं? जिस बहुत लंबी सी नाव होती है और उसमें दो दो पर्सन साइड साइड में बैठते हैं, लेकिन उनकी लेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत लॉन्ग होती है, उनको हम बोलते हैं शिकारा। मेन लैंग्वेज जो है कश्मीर की वो है डोगरी। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, ये लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। यहाँ पे ईद एंड शिवरात्रि, ये यहाँ के मेन फेस्टिवल है, शिवरात्रि एंड ईद। इस एरिया में कश्मीरी पीपल कांगरी रखते हैं। कांगरी एक पोर्ट होता है जिसके अंदर जलता हुआ कोयला रखा जाता है, जो उनको सर्दी से बचाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ गिरती रहती है, तो वहाँ कंटिन्यू ठंड होने के कारण वो लोग अपने आप को बचाते हैं, एक पोर्ट के अंदर जलता हुआ कोयला भर लेते हैं, जो उनकी उनको हीट देता रहता है। उस पोर्ट को क्या बोलते हैं? कांगरी, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन वियर फिरन विद सलवार, ठीक है। फिरन होते हैं, उनको जो अपर पूरे बॉडी को ढक के रखता है नीचे तक, उसको फिरन बोलते हैं, और उसके नीचे सलवार पहनते हैं। पीपल ड्रिंक अ स्पेशल काइंड ऑफ टी, वो अलग डिफरेंट टाइप की एक टी पीते हैं, चाय पीते हैं, जिसको बोलते हैं कहवा, ठीक है। वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग करना समर सीजन में। वहाँ के मेन क्रॉप्स हैं राइस, मेज, राजमा और एप्पल, एप्रिकॉट, प्लम, सैफ्रंस, ये बहुत ही फेमस फार्मिंग होती है वहाँ पे, इन चीज़ों की ग्रो किया जाता है बहुत बड़े स्केल पे। और सर्दियों के टाइम पे लोग हैंडीक्राफ्ट काम भी करते हैं, यानी कि हैंड से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कारपेट बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। कश्मीरी
कारपेट जो कश्मीर के यहाँ से कारपेट बन के आते हैं, कश्मीर से जो कारपेट बन के आते हैं या पश्मीना शॉल जो बन के आते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। क्रिकेट बैट जो क्रिकेट आप खेलते हो उसमें जिस बैट का आप यूज़ करते हो, वो कश्मीरी विलो, विलो एक पेड़ है वहाँ पे पाया जाता है कश्मीर में, ठीक है, उसी से बनते हैं। सम फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है यूनियन टेरेटरीज में वो हैं पहलगाम, गुलमार्ग, सोनमार्ग, श्रीनगर, अनंतनाग, वैष्णो देवी टेम्पल, अमरनाथ केव्स, ये सारे भी कहाँ पाए जाते हैं हमें, जम्मू एंड कश्मीर में ही। अब देखिए यहाँ पे एन ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल, बहुत सारे एप्पल बिखरे हुए हैं, ये एप्पल का एक पूरा बाग है, पश्मीना शॉल एंड स्नो स्कीइंग इन गुलमार्ग, गुलमार्ग के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, स्नो पे खेल रहे हैं, ठीक है। लद्दाख इज अ फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है वहाँ पे, कल्चर एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कल्चरल या बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी मोनेस्ट्रीज वहाँ पे हैं, बुद्ध टेम्पल आप बोल सकते हो। और इट एक टाइम पे जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, लेकिन अभी ये बिल्कुल अलग यूनियन टेरिटरी है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो लेह है, यानी कि लद्दाख का पूरा जो काम है, लद्दाख के जो भी सीएम वगैरह हैं, जो भी पर्सन हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं, लेह में, और वहीं से वो लद्दाख को चलाते हैं, लद्दाख में का जो भी काम होता है वो यहीं से करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे लोग शिप पालते हैं, ठीक है, भेड़ों को पालते हैं, और उनका कॉमन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का, भेड़े पालना, ठीक है, रेयरिंग ऑफ शिप्स, मोस्ट जो फैमिलीज हैं, ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं उनकी खुद की बकरियाँ होती हैं या गाय हैं या वहाँ पे याक है, याक काउस, जिनको डिजोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। पीपल डाइट इंक्लूडिंग जो लोग खाते हैं उसके अंदर उनका मीट एंड मिल्क दोनों प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि वो मीट भी खाते हैं वहाँ के लोग और मिल्क। अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल हिमालय की गोद में है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है, शिमला, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट प्लेस है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं, हिमाचल प्रदेश है ही बहुत सुंदर। यहाँ की जो रिवर्स हैं वो रवि, बीज, सुतलज, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। फहरी एंड हिंदी आर मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिस स्टेट, यहाँ पे फहरी और हिंदी बोली जाती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर कुर्ता पजामा पहनते हैं, और जो वुमेन है वो स्कार्फ लगा के रहती हैं जिसको ढाजू बोलते हैं, जबकि मैन जो है वो एक टोपी पहनते हैं जिसमें चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी बनी होती है, एम्ब्रॉयडरी कैप, जैसे कि आप उसमें नजर आ रहा होगा, चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी बनी होती है इस कैप के। यहाँ का मेन फेस्टिवल है दशहरा, जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है, यहाँ पे राइस, मेज, बैरले, पोटैटो, प्लम्स, एप्रिकोट, पीचेस, ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के जो फेमस हिल स्टेशन है वो है डलहौजी, कसौली, धर्मशाला एंड वैलीज लाइक कांगरा, कुल्लू, मनाली, ये सारी यहीं पे हैं हिमाचल प्रदेश में, ये सारी जगह हैं जहाँ पे सब घूमने जाते हैं। डू यू नो दैट हिमालयन टाउन ऑफ धर्मशाला इज होम ऑफ दलाई लामा, क्या आप जानते हो हिमालय का जो टाउन है जिसका नाम धर्मशाला है वो दलाई लामा का घर है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कपल, उनकी बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस है, ठीक है, उन्होंने स्कार्फ डाल रखा है, मैन ने एक टॉपी पहन रखी है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, एम्ब्रॉयडरी के सारे कपड़े हैं इनके, ठीक है। दशहरा ऑफ कुल्लू, कुल्लू मनाली में ऐसे इस टाइप का दशहरा मनाते हैं। असीन फॉर डलहौजी, डलहौजी का एक सीन इन्होंने दे रखा है, डलहौजी एक रिवर है वहाँ पे, उसका सीन देखिए कितना सुंदर है, तो यहाँ पे इसी ब्यूटी को लोग देखने जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी को। नेक्स्ट आप देखिए उत्तराखंड, अब हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड वॉज कार्ड आउट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2000, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड अब एक अलग स्टेट है और उत्तर प्रदेश एक अलग। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द लैप ऑफ हिमालय, बिल्कुल ये भी हिमालय के गोद में ही है, जैसे कि हमारा अभी हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल हिमालय की गोद में है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे हिल स्टेशन, हिली एरियाज पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट रीजन, गढ़वाल एंड कुमाऊँ, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट रीजन है, गढ़वाल है एंड कुमाऊँ है। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। यहाँ की जो रिवर है वो है अलकनंदा, गंगा, यमुना, ये बहुत बड़ी रिवर है यहाँ पे, बहुत इनको यहाँ के एरिया को बहुत फायदा होता है इन्हीं रिवर से। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ के लोग जो है गढ़वाली और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। दशहरा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है जो हर 12 साल के बाद लगता है हरिद्वार में, और यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। एंड मसूरी एंड नैनीताल जो है यहाँ के फेमस हिल स्टेशन हैं, जो घूमने की जगह हैं, जैसे बहुत सारे लोग मसूरी या नैनीताल जाते हैं, वो फेमस जगहें भी उत्तराखंड में ही आती हैं। अब हम पढ़ते हैं सिक्किम के बारे में।
सिक्किम जो है वो ईस्टर्न हिमालय का एक पार्ट है, ईस्टर्न हिमालय में आता है, गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। ज्यादातर यहाँ पे क्या हिल स्टेशन है। तिस्ता रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है, यानी कि सिक्किम के अंदर कौन सी रिवर आती है, तिस्ता। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक सिक्किम में ही है जिसका नाम है कंचनजंगा। एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज एग्रीकल्चर। यहाँ के लोगों का भी जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है वो एग्रीकल्चर, यानी कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर काम में ही लगे हुए हैं। यहाँ के लोग राइस, मेज, बैरले, कार्डमम, पोटैटो, लैप ये सारी चीज़ें उगाते हैं। यहाँ की लैंग्वेज है लैपचा, भूटिया या फिर नेपाली, इन तीनों लैंग्वेज को यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ के मेन फेस्टिवल हैं लोजर एंड सागो दावा, ये यहाँ के डिफरेंट से फेस्टिवल हैं। सिक्किमिज मैन वुमेन वियर अ लॉन्ग स्कर्ट। सिक्किम में मैन एंड वुमेन दोनों ही एक लॉन्ग स्कर्ट पहनते हैं जिसका नाम क्या है, बाखू। और यहाँ पे एक मास्क डांस भी होता है जिसको यहाँ का फोक डांस बोलते हैं, सिक्किम का मास्क डांस, ये आपको नजर आ रहा होगा, मास्क लगा के लोग डांस करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के मास्क पहनते हैं ये। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल की। दार्जिलिंग इज अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा है जगह है, एक दार्जिलिंग, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिल स्टेशन है, ठीक है। इट इज हिली एरिया क्वाइट फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। ये हिली एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की चाय के लिए, ठीक है। यहाँ पे चाय ग्रो की जाती है, चाय उगाई जाती है। दीज टी गार्डन्स ऑन द स्लोप ऑफ हिल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टी। ये जो टी गार्डन्स हैं जो कि हिल के बिल्कुल स्लोप पे, यानी कि चढ़ाई पे बनाए जाते हैं एकदम से, स्लोप जो होता है वहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी यहाँ पे बनती है। डू यू नो, मैं देखिए, द दार्जिलिंग रेलवे इज फाउंड नोन एज अ टॉय ट्रेन बिकॉज ऑफ इट्स 2 फुट नैरो गॉज ट्रैक। दार्जिलिंग में कौन सी रेल चलती है, टॉय ट्रेन ही चलती है, और वो बिल्कुल 2 फुट नैरो गेज पे चलती है, यानी कि उनकी चौड़ाई बहुत कम होती है। क्विक रीजन देखिए, फर्स्ट है डल लेक इज सिचुएटेड हेयर। डल लेक कहाँ पे, हमारी कश्मीर में। इन दिस स्टेट वुमन वियर अ स्कार्फ और ढाजू, ढाजू नाम का स्कार्फ वुमेन पहनते हैं, कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। गढ़वाल इज लोकेटेड इन दिस स्टेट, गढ़वाल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कंचनजंगा इज लोकेटेड इन दिस स्टेट, कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में। एंड लोजर इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। लोजर कहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, सिक्किम का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रिपीट इट अगेन।